नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं कुलदीप। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट 2022 और 2023 पेश किया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाया भी। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि इस बजट का आपकी पॉकेट पर कितना असर होगा। तो चलिए जान लेते हैं बजट में क्या महंगा है और क्या सस्ता होगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल भी सस्ते होने की खासा उम्मीद है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी इम्पोर्टेड छाते अब महंगे हो जाएंगे। तो क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ? तो सस्ते हुए हैं मोबाइल फोन चार्जर, स्मार्ट वॉच, रत्न और हीरे, स्टील के बर्तन, पेट्रोलियम और केमिकल से जुड़ी हुई चीजें, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड। और महंगा क्या हुआ है? छाते के पार्ट्स, सोडियम साइनाइड, इमिटेशन ज्वेलरी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस बजट से प्रोडक्ट्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। दरअसल 90% चीजों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर ज्यादा होता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे शराब, चमड़ा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमतों पर बजट की घोषणाओं में असर होता है। सरकार इन पर ही इम्पोर्ट ड्यूटी घटाती या बढ़ाती है। तो ये था बजट का विश्लेषण। बाकी की खबरों के लिए बने रहे दफ्तर के साथ। धन्यवाद।